सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइनस आई इफेक्ट। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लस आई इफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लस आई इफेक्ट के लिए जो भी ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, उनका स्पेसिफिक ऑर्डर भी डिसाइड किया था। और प्लस आई ग्रुप के रिगार्डिंग हमने कुछ एक एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले, शो करने वाले उन सभी ग्रुप्स का क्या ऑर्डर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम नॉलेज आज गेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो माइनस आई इफेक्ट जो भी ग्रुप शो करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि माइनस आई इफेक्ट जो भी ग्रुप शो करते हैं उसका स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होता है, ठीक। लेकिन आपको इतना पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि माइनस आई इफेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, या फिर अगर हम किसी भी ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप की अगर बात करते हैं, तो जो कि माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं उनकी क्या टेंडेंसी और क्या कैपेसिटी रहती है। तो आप ये जानते हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले सभी ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई डब्ल्यू जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा इसे हम ई डब्ल्यू जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ई डब्ल्यू जी का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि वो सभी ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, स्लाइटली पुल करे। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं तो विदड्रॉ करना का मीनिंग क्या होता है, विदड्रॉ करना का मीनिंग होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाले या अपनी तरफ स्लाइटली पुल करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, और वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा कंसेप्ट इसी के बारे में। आपको एक नोट पॉइंट यहां पर लर्न करना है स्टूडेंट, और इस नोट पॉइंट में क्या लर्न करना है कि जो स्पीसीज या फिर जो भी ग्रुप जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा, ठीक है, अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं जो माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि वो सभी ग्रुप जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर पाएंगे वो उतना ही अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। आई रिपीट, वो सभी ग्रुप जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्लाइटली पुल कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब प्लस आई ग्रुप का एक ऑर्डर डिसाइड किया था, उस ऑर्डर को डिसाइड करने से पहले मैंने आपको तीन एग्जाम्पल बताए थे, तीन कैटेगरी में डिवाइड करके एग्जाम्पल बताए थे, और उसी एग्जाम्पल के हेल्प से हमने इस माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई ग्रुप के ऑर्डर को डिसाइड किया था। और एग्जाम्पल क्या था कि सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे थ्री टाइप्स के ग्रुप हैं, सपोज हमारे पास थ्री टाइप के कैटेगरी में ग्रुप्स हैं, और ये कौन कौन से हैं, एक ऐसा ग्रुप जिस पे ऑल ओवर कौन सा चार्ज हो, मैंने कहा ऑल ओवर उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। हम ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पे क्या क्या चार्ज हो, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक ऐसे ग्रुप की अब अगर बात करें जो कि क्या हो, न्यूट्रल हो, इस पे कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और अब हम ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि क्या हो, जो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखता हो। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये डिसाइड करें कि एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल ग्रुप है, और एक नेगेटिव चार्ज्ड ग्रुप है। तो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ये है इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे ये समझाने का कि देखिए, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप की बात करते हैं तो ये क्या है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रखने वाला ग्रुप है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना जो है उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर पाएगा।
तो बेसिक सी बात यह है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप की बात करें, जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जितनी कमी इलेक्ट्रॉन की होगी वो उतना ही अच्छा से क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना चाहेगा, और वो उतना ही अच्छा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो ई डब्ल्यू जी है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है, वो कौन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की बात करते हैं, तो आप जानते हैं इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर जब इसके पास ऑलरेडी है सफिशियंट अमाउंट में, तो ये क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना अपनी तरफ, या फिर अगर चाहता भी है, टेंडेंसी रखता भी है, तो एज कंपेयर टू पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज ग्रुप ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, विड्रॉ करने की। तो अगर हम इन तीनों ही ग्रुप में क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग जो एक टेंडेंसी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रो करने की टेंडेंसी कौन रखेगा, मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप रखेगा, फिर उससे कम यहां पर न्यूट्रल होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रो करने की कैपेसिटी यहां पर नेगेटिव चार्ज ग्रुप रखेगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल इस बेसिक एग्जांपल के थ्रू ये तो समझ लिया है कि अब जो हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप पढ़ेंगे, उस ऑर्डर में पॉजिटिव चार्ज वाला जो भी ग्रुप होगा, वो न्यूट्रल से क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रो करने की कैपेसिटी रखेगा, और न्यूट्रल चार्ज वाला जो भी यहां पर ग्रुप होगा, या फिर न्यूट्रल ग्रुप जो भी होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखेगा एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। ठीक है, तो इस ही एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर क्या डिसाइड करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसमें करना है हमें। देखिए, सपोज हमें अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहां पर यह डिसाइड करना है ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, क्या बात, क्या हम बात करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप की अगर बात करते हैं कि किस स्पेसिफिक ऑर्डर में वो क्या करे, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए, या फिर इसके ऑर्डर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो अभी तक क्लियर हो चुका है कि पॉजिटिवली चार्ज ही सबसे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रो ग्रुप होगा। तो देखिए, यहाँ पर चलिए एक फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मैं आपको इस ऑर्डर का चेन, एक पर्टिकुलर चेन प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये बुक्स में एक सिंगल चेन में ही गिवन होता है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझने के लिए, इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए कुछ एक पार्ट्स में ब्रेक करके स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप की बात करते हैं, माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सपोज कोई एक पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, यहाँ पर O पॉजिटिव R2, ठीक है, एक ग्रुप ये है। सपोज एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिस पे O पे पॉजिटिवली चार्ज है, बट ये H2 है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NR3, और N पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो एक है हमारे पास N पॉजिटिव H3, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड माइनस आई ग्रुप की बात करने वाले हैं। और एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है स्टूडेंट जिसपे मैंने कहा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास HR2 है, ठीक है, NHR2। इट मीन्स एक ग्रुप ऐसा है NH2R, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए, एक ये जो मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर बता रहा हूँ, इसमें हमें क्या डिसाइड करना है, इसमें हमें डिसाइड करना है, देखो इतना तो साफ है कि सभी क्या है, माइनस आई ग्रुप हैं, और सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सभी पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि इन सभी में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रो कौन करेगा, तो बस आपको ये लर्न करना है कि इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कि मतलब ये जो OR2 है, इन सभी से क्या है, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को विड्रो करने की। यही आपको एक चेन बुक में प्रोवाइडेड होता
होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमें डीप में जाना भी नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ों को हमें डीपली जाना जो है रिक्वायर्ड है ही नहीं, क्योंकि बस आपको क्या है कि ये ऑर्डर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करेंगे या फिर वेरियस टाइप के आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये ऑर्डर आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही किसी क्वेश्चन में सपोज़ ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप लगा हुआ है, आपको बस उन दोनों ग्रुप को देखते ही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो आप जानते हैं इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये वाला कर पाएगा, OH2+ कर पाएगा। तो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको ये ऑर्डर भी अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अभी स्पेशली इस ऑर्डर को लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी ही सीरीज़ में हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखिए अगर हम कुछ और ग्रुप लेते हैं, सपोज़ मैंने एक ग्रुप और लिया, हमारे पास NO2 है, हमारे पास एक ग्रुप और है, सपोज़ हमारे पास SO3H है, और एक ग्रुप और है हमने इसी और सीक्वेंस में ले लिया है CN। अब देखिए इन तीनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी देखें तो यहाँ पर NO2 की ज़्यादा होती है SO3H से, और SO3H ग्रुप की ज़्यादा होती है CN से, ठीक है। और यही आपको ग्रुप क्या करना है, लर्न करना है, और जो कि एग्जाम्पल सॉल्व करने के साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसी ही सिक्वेंस में। अच्छा एक और बात मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ऑर्डर है एक सिंगल लाइन में ही आना है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं इसको ब्रेक करके स्टडी करें ताकि थोड़ा लर्न करना आसान हो जाए। चलिए अब हम ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिनमें, ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की बात करते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप वाला ग्रुप हमारे पास, सपोज़ ए ग्रुप है, ये है एक इसी ही सीक्वेंस में एक और हम ग्रुप की बात करते हैं, सपोज़ एक हमारे पास ग्रुप ये है, एक ग्रुप और है जिसमें यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो, ठीक है, एक ग्रुप और ले लेते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर हो, ठीक है, और इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये करेगा, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, और सबसे कम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आर करेगा, ठीक है। तो बस इसके रीज़न को हमें समझना इतना एसेंशियल नहीं है, आपको बस ये ऑर्डर जो है समहाउ प्रैक्टिस में लेके आना है। और अब देखिए इसी ही सीक्वेंस में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हम हेलोजन ग्रुप की बात करते हैं। हेलोजन ग्रुप में आप जानते हैं हम फ्लोरीन की बात करेंगे, उसके बाद हम क्लोरीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रोमीन की बात करते हैं, उसके बाद हम आयोडीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम यहाँ पे आयोडीन की होती है, ठीक है। अब देखिए इसी ही सीक्वेंस में हम यहाँ पर एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं। हम यहाँ पर अब लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ आपके पास ग्रुप ऐसे दिए हुए हों कि सपोज़ हमारे पास एक ग्रुप है OR, है ना, एक ग्रुप है यहाँ पर OS, ये सभी माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, जिसको मैं इस तरह से ब्रेक से कुछ एक पार्ट्स में ब्रेक करके स्टडी कर रहे हैं हम, ताकि आपको ये आसानी से याद हो पाए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हालांकि ये एक सिंगल चेन में ही आपको लर्न करना होगा, लेकिन इस तरह से अपन लर्न करते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है। तो देखिए एक हमारे पास OH ग्रुप है, सपोज इसी सिक्वेंस में एक ऐसा ग्रुप है मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, एक हमारे पास सपोज यहाँ पर NH2 ग्रुप है, एक हमारे पास सपोज यहाँ पे फेनिल ग्रुप है। फेनिल का तो आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते ही हैं, तो मैंने कहा सपोज हमारे पास इस तरह से फेनिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है फेनिल ग्रुप, राइट। अब देखिए एक और ग्रुप है जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक, और एक लास्ट ग्रुप है हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इस वाले OR ग्रुप की ज़्यादा होती है OH से, OH की ज़्यादा होती है इससे, देन यहाँ पे NH2 उससे कम होता है, फेनिल उससे कम होता है, और यहाँ पर सबसे कम जो है माइनस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रो करने की कैपेसिटी टेंडेंसी कौन रखता है, हाइड्रोजन रखता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इतना बताया हुआ है स्टूडेंट, अगर आपने वहाँ पर देखा हो उसको पूरा, कि ये जो हाइड्रोजन होता है हम इसको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, इसको हम यहाँ पर स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। और आपने देखा यहाँ पर कि ऑर्डर किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो है ऑर्डर हमें यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में देखने को मिलता है। एक और बार हम इन सभी चीज़ों को रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए
मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में स्टडी करना। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि वो सभी ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसे समझने के लिए, इसके ऑर्डर को समझने के लिए हमने क्या कहा कि सपोज़ हमारे पास कोई भी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, एक हमारे पास न्यूट्रल ग्रुप है, एक हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज। ये तो ऑब्वियस ही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप जो है एक सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को विड्रो जल्दी से करना चाहेगा या ज़्यादा करेगा, तो ये सबसे अच्छा ईडब्ल्यूजी होगा, उससे कम यहाँ पे न्यूट्रल की बात करेंगे और सबसे कम यहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। उसके बाद देखिए एक ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ऑर्डर में क्या हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रो करने की जो कैपेसिटी है वो किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिला आपको और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओ पॉजिटिव आर टू ग्रुप की होती है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जिस पे आपको क्या दिख रहा है, जिस पे आपको नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, अगर हम स्पेशली इन दोनों ही ग्रुप की बात करें, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NR3 पॉजिटिव एंड NS3 पॉजिटिव चार्ज ग्रुप की, तो देखिए इसे क्या कंसिडर करते हैं, इसे यहाँ पर एक्सेप्शन कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं इसे, मैंने कहा इसे यहाँ पर एक्सेप्शन कंसिडर किया जाता है। आखिर वो कौन सा रीज़न है जिसके वजह से हम इसको जो है एक्सेप्शन कंसिडर करते हैं, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक्सेप्शन वाला जो पॉइंट है इसको हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं। और ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है स्टूडेंट, ये हम देखते हैं कि एक्सेप्शन वाला पॉइंट हमें क्या क्या डिस्कस करना है इस एक्सेप्शन वाले पॉइंट में। तो देखिए मैंने कहा सपोज़ हमारे पास ये एक्सेप्शन का पॉइंट है और इस एक्सेप्शन के पॉइंट में स्टूडेंट हमें क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास सपोज़ हमने कहा था कि हमारे पास दो ग्रुप था, एक तो ग्रुप है हमारे पास N पॉजिटिव R3, ठीक है, और एक ग्रुप क्या है N पॉजिटिव H3। ठीक है, ये दोनों ग्रुप हैं और इन दोनों ग्रुप में मैंने ऑर्डर क्या बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो है सबसे अच्छा इन दोनों में कौन सा है, मैंने कहा ये है, ये NR3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रो करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसको हम एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री के जनरल फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ अलग ही हमें देखने को मिलेगा, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं N पॉजिटिव, ठीक है, और ये इसका मतलब ये कि ये सामने वाले किसी भी चेन से जुड़ा हो सकता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है NH3 में, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ये है, और एक आपने क्या देखा, एक आपने ये देखा कि हमारे पास एक ग्रुप है N पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव था और ये इस तरह सामने वाले से जुड़ा हो सकता है, और यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दोनों ग्रुप है और इन दोनों के ग्रुप के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है और क्यों है, और ये से एक्सेप्शन मैंने क्यों लिया है। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हम अगर इसकी बात करें, इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और दोनों पे ही अगर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखिए अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करते हैं NR3 प्लस पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ भी एल्काइल है और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप कंसिडर किया जाता है, और अगर ये प्लस आई ग्रुप होता है तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो इसकी कौन सी टेंडेंसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब है कि ये
एल्काइल ग्रुप इस तरह से यहाँ पर इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और ये जो नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट था, और जैसे ही एल्काइल ग्रुप ने इसको क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट जैसे ही एल्काइल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नाइट्रोजन को कर रहा है, तो इससे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि ये सामने वाले ग्रुप से, ठीक है, सामने वाले चेन से क्या करेगा, सामने वाले चेन से स्टूडेंट ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो फुलफिलमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस NH3 और पॉजिटिव चार्ज ग्रुप की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन किसी भी तरह का कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। तो इसको यहाँ पर इस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, ऐसे ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ तो एल्काइल ग्रुप था तो उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया था इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये सामने वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेना चाहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सामने वाले चेन से जो भी यहाँ पे जुड़ा होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहेगा, वो भी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस ग्रुप। ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर एन पॉजिटिव नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन सामने वाले चेन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको विड्रॉ करेगा। तो इस जनरल केमिस्ट्री के फंडामेंटल को अप्लाई करके हमने देखा, तो इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर NH3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला, या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता नहीं है, ठीक है, और यहाँ तो एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा था, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गया था, तो इससे इससे ये सामने वाले से क्या कर रहा था, थोड़ा कम लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो अभी भी बरकरार है, बरकरार है, तो ऐसे में ये क्या करना चाहेगा कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अमाउंट लेना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि EWG ये क्या है, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमने देखिए यहाँ पर ऑर्डर में क्या डिस्कस किया है, ऑर्डर में मैंने बोला है कि NR3 इसकी ज़्यादा होती है, NR3 के ज़्यादा होती है, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि NH3 की ज़्यादा है। इसीलिए हमने क्या क्या यहाँ पे कंसिडर किया है इसको, हमने यहाँ पर इसको एक्सेप्शन कंसिडर किया है। तो आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने ऑर्डर, आइडियल ऑर्डर जो हमने ये डिस्कस किया था, देखिए ये ऑर्डर ही आपको फॉलो करना है। हालांकि इसको एक्सेप्शन इसीलिए बोले क्योंकि जनरल फंडामेंटल्स जो होते हैं केमिस्ट्री में उससे जस्ट अपोजिट है, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मुझे ये बताना पड़ा। तो देखिए एक्चुअल में अगर इस कंसेप्ट से तो हमने देखा, इस कंसेप्ट से तो हमें ये NH3 ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हुआ नज़र आ रहा था। तो आखिर ऐसा रीज़न क्या है, ऐसा रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसकी ज़्यादा बता रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं वन मोर टाइम। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि सपोज़ हमने इसे वापस से लिया, तो कि हमें समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है। एन पॉजिटिव ये सामने वाले चेन से इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर भी क्या है, आर है, ठीक है, तीन एल्काइल ग्रुप है। और देखिए अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन के साइज़ की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ होता है ये नाइट्रोजन। और यहाँ पर अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो एल्काइल ग्रुप का साइज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एल्काइल ग्रुप ये क्या है, आर क्या होता है, मैंने कहा आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है, और ये एल्काइल ग्रुप का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे बल्की ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब ये अगर बल्की ग्रुप है तो इस कंडीशन में क्या है कि ये नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है,
और इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेरिक रिपल्सन जो है यहाँ पर क्या हो गया है, देखने को मिला है। और इसी स्टेरिक रिपल्सन, आखिर देखिए यहाँ पे स्मॉल साइज वाला नाइट्रोजन कैसे कंटेन कर सकता है तीन तीन बल्कि ग्रुप या फिर तीन तीन अल्काइल ग्रुप को। तो ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा, ये नाइट्रोजन अब इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करना चाहेगा। और इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए दो ही हमारे पास क्या है कंडीशन है, दो ही रास्ता है इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास। वो कौन कौन सा है? इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए या तो ये क्या करेगा अपना बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल को क्या करे ये इंक्रीज कर ले। बॉन्ड एंगल इंक्रीज ना करे तो, या फिर इसके पास एक और ऑप्शन है कि ये क्या करें अपना, मैंने कहा ये बॉन्ड लेंथ को क्या कर ले इंक्रीज कर ले। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए एक स्टेरिक रिपल्सन लग रहा था, तो नाइट्रोजन इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करना चाहेगा। और स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि ये अपना बॉन्ड एंगल इंक्रीज करे, एक तरीका है कि ये अपना बॉन्ड लेंथ क्या करे इंक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बॉन्ड एंगल इंक्रीज करने की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे मैंने कहा इनके बीच में बॉन्ड एंगल थीटा है, थीटा क्या है, तो हमने कहा सपोज हमने कहा कि ये क्या है बॉन्ड एंगल है जिससे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। और बॉन्ड एंगल बढ़ाएंगे मतलब थीटा को हम इंक्रीज करेंगे तो ही यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें बेसिकली यहाँ पर थीटा मतलब बॉन्ड एंगल को क्या करना है इंक्रीज करना है। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज जैसे ही हम करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो आपको बस यहाँ पर एक कंसेप्ट लर्न करना है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट ये है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की वापस ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस ये लर्न करना है कि परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है स्टूडेंट, परसेंटेज एस करेक्टर जैसे ही हम क्या करते हैं परसेंटेज एस करेक्टर और थीटा की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब कि जैसे ही परसेंटेज एस करेक्टर हम इंक्रीज करते हैं थीटा भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो देखिए जैसे इसका अपोजिट भी सही है कि जैसे ही हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज यहाँ पे थीटा है, तो जैसे ही हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर के इंक्रीज होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट भी तो क्या होगा बढ़ेगा। तो ये रीजन ये होता है जिसकी वजह से हम NR3 को क्या करते हैं, NR3 को यहां पर ज्यादा अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन विड्रो ग्रुप कंसीडर किया जाता है। हालांकि हमने जब जनरल जो एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई किया उससे हमें ये देखने को मिला कि इस NH3 की ज्यादा देखने को मिला था इलेक्ट्रॉन विड्रो करने की कैपेसिटी, और ऐसा एक्सेप्शन में हमने कंसिडर किया था। लेकिन हमने एक और तरीके से सोचने की कोशिश की कि अगर जो फॉलो हमें करना है ऑर्डर वो ये है, इसी को फॉलो करना है, इसमें तो NR3 ज्यादा है ना, तो NR3 ज्यादा क्यों है, तो ये रीजन होता है। तो इसको मैं एक और बार समझा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए मैंने आपको कहा कि ये जो नाइट्रोजन है इसका साइज क्या है, स्मॉल है, और इस स्मॉल साइज नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि बल्कि ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। बल्कि ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये एल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर बेसिकली बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस में यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होता है, और नाइट्रोजन इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करना चाहेगा। कम करने के लिए इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये अपना बॉन्ड एंगल इंक्रीज करे या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करे। तो सपोज हम बॉन्ड एंगल इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल जैसे ही हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ परसेंटेज एस करेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नोट पॉइंट से हम जानते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने इतना सारा कंसेप्ट यहाँ पर देखा और समझा।
तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अभी तक आज के लेक्चर में इस माइनस आई इफेक्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। हमने वहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर किया है प्लस आई इफेक्ट से, और यहाँ तो इसमें हम बस ऑर्डर समझने की कोशिश किए कि ऑर्डर क्या होता है, और यहाँ पर हमने ये नोट पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। और अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको कुछ एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन में देखिए, या फिर एप्लीकेशन की जगह आप इसे नोट पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। मैंने कहा इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, इस नोट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज अगर हम ऐसे केस की बारे में सोचते हैं, ऐसे केस के बारे में हम अगर सोच के देखें कि जिसमें किसी कार्बन के ऊपर या किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। आई रिपीट, हम ऐसे ही कंडीशन की सोच रहे हैं जिसमें किसी भी एल्काइल ग्रुप के ऊपर या लॉन्ग कार्बन चेन के ऊपर कौन प्रेजेंट हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के प्रेजेंट हो जाने से ये माइनस आई की तरह एक्ट करेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या है, एक नोट पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। आपको इस नोट पॉइंट में बस एक जनरल सा एक कंसेप्ट लर्न करना है, वो ये है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, हमने अभी भी देखा था यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही, हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज देन माइनस आई इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब इसी को हमें यहाँ पर समझना है एक और एग्जाम्पल के थ्रू। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज देन ग्रुप विल बी माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, या फिर आप ये कहें कि ऐसे में माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे, माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम डिटेल में समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले लिया, CH2 इस तरह से एल्काइल ग्रुप ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई भी इस तरह से हमने यहाँ पर फ्लोरीन को ऐड कर दिया, ठीक है। एक तो एल्काइल ग्रुप में फ्लोरीन कुछ ऐसा है। अब क्या है, अब देखिए, अब ये है कि इसी एल्काइल ग्रुप में मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर एक ऐसा कंडीशन सोचें कि अगर इस पर दो फ्लोरीन प्रेजेंट हो तो ये क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लोरीन, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट कंडीशन में ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इसी एल्काइल ग्रुप में फ्लोरीन का नंबर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पे दो फ्लोरीन है। अगर इसी एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट, अगर इस कार्बन पर हम फ्लोरीन का नंबर और भी इंक्रीज कर दें, मतलब अब हम यहाँ पे तीन फ्लोरीन ले रहे हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप ये जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे फ्लोरीन का नंबर बढ़ा रहे हैं तो नंबर बढ़ाने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो वो ग्रुप जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस कंडीशन में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है और माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। तो इसका मतलब है कि देखिए, सबसे अच्छा यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा जिस पे तीन फ्लोरीन है, फिर उसके बाद ये, और इसके उस सबसे कम जो है ये पर्टिकुलर क्या करेगा, एग्जाम्पल शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम अप टू डाउन आने की बात करते हैं, इस तरह से देखिए, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, इससे इससे हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें ये देखने को मिला, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, या फिर इसको हम ये कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो नंबर है, इसका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही नंबर इंक्रीज होता है तो आप ये कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, जैसे ही
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नंबर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बस आपको ये पहचाना है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट द कार्बन ज्यादा है। जिसमें ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। चलिए इसको हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो जिस पे तीन आपको फ्लोरीन दिखाई दे रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो देखिए यहाँ पर आप ये जानते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर कंपेयर करें तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इस कंडीशन में ये जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली पुल हो जाएगा मोर टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एलिमेंट। और यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये कार्बन क्या हो जाएगा, सब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड के, ये इलेक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट हो रहे हैं फ्लोरीन की तरफ, और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। और ऐसे में इस कंडीशन में ये जो जिस पर्टिकुलर सामने वाले ग्रुप से अटैच है उससे ये ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो केवल दो है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल से, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर केवल एक पे एक ही फ्लोरीन क्या कर रहा है, इस कार्बन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे कम है। तो इस कंडीशन में आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी तो यहाँ पर इस कार्बन की है, क्योंकि यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन को लेने वाले तीन तीन फ्लोरीन हैं। इसका मतलब है कि इस कार्बन को तीन तीन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ रहा है, और ऐसे कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये सामने वाले से क्या करेगा, ऐसे में तो ये कार्बन पागल हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इसको देने पड़ रहे हैं, तो ये सामने वाले से और भी ज्यादा लेना चाहेगा। तो इस कंडीशन में आपको बस एक ट्रिक लर्न करना है कि एज वी इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वी इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नंबर ऑफ द फ्लोरीन, द माइनस आई ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हमने इस लेक्चर में माइनस आई इफेक्ट एंड देयर स्पेसिफिक ऑर्डर विद सम टाइप ऑफ एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन को डिटेल में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, देखिए हम यहीं पर ही एक बार आपको बता देते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एप्लीकेशन में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन में हम यहाँ पर इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। हालांकि रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक अलग से टॉपिक इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट ये जो इंटरमीडिएट होते हैं तीनों ही, इस इंटरमीडिएट को स्टडी करेंगे रिलेटेड करके, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से हम इंटरलेट करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का इन तीनों ही कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ ही ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।